मेरे केस की भी फाइल ऐसे ही किसी कमरे में धूल काती पड़ी रहेगी। मरने से पहले पल पल तड़पती रही मैं, और मरने के बाद इंसाफ के लिए तड़प रही हूँ। मुझ पर किस्मत को इंसाफ मिलता भी कैसे? ना ही कोई तहकीकात हुई, ना ही कोई शोर मचा, मानो मैं एक इंसान नहीं खिलौना थी जिसके टूटने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। मैं आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। खिलौने सबको पसंद होते हैं ना, कच्ची उम्र में सब खिलौनों के साथ खेलते हैं। लेकिन पता है, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे समाज का एक तबका ऐसा है जो औरतों को किसी खिलौने से कम नहीं समझता, कि जब चाहा खेला और जब चाहा उसे रौंद के रख दिया। एक औरत की सोच, उसके जज्बात, उसका वजूद जैसे कि उनके लिए मायने ही नहीं रखते हैं। और ये लोग हमारे इर्द गिर्द ही नजर आते हैं रोज, दिन दहाड़े छेड़छाड़ करने वाले मंचलों से लेकर सोशल मीडिया पे भद्दे कमेंट्स लिखने वाले ट्रोल्स, ये लोग हमारे समाज में ही तो पनप रहे हैं। कॉलेज जाने वाली लड़की हो, कोई प्रोफेशनल महिला या कोई फीमेल सेलिब्रिटी, सब इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कभी ना कभी सामना करते ही हैं। साल 2020 में हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, लेकिन आज के अपराध की कहानी और इस अपराध के पीछे की छिपी सोच किसी महामारी से भी ज्यादा घातक है। और हर साल कई औरतें, कई मासूम लड़कियां, यहाँ तक कि कई बच्चियां इसका शिकार होती हैं। आज का ये केस एक ऐसी ही दर्दनाक दास्तां बयान कर रहा है जिसमें आग तो एक शरीर पे लगी लेकिन उसमें पूरी इंसानियत झुलस गई। ये लीजिए हीना मैडम, आपके लिए वरुण स्पेशल चाय तैयार। वरुण सर, आप भी ना, अब क्यों चाय बनाते हो मेरे लिए? आप बॉस हो मेरे। और मेरे भी। वरुण सर, आप कभी मेरे लिए ऐसा चाय नहीं बनाते। आरती, तुम हीना की तरह परफेक्ट काम करके दिखाओ, फिर तुम्हारे लिए भी चाय बनाऊंगा। वैसे हीना, एक शिकायत है मुझे तुमसे। क्या सर? देखो, बॉस का काम होता है अपने स्टाफ के काम में गलती निकालना, लेकिन तुम मुझे डांटने का मौका ही नहीं देती हो। स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब, मैनेज कैसे कर लेती हो इतना सब कुछ? बस सर, कोशिश करती हूँ तो सब मैनेज हो जाता है। आरती, सीखो अपनी दोस्त से कुछ। अच्छा, तुम पिकनिक के लिए आ रही हो ना, देखो 3 दिन का मस्त ब्रेक हो जाएगा पूरे स्टाफ के लिए। आई एम सॉरी सर, पर मम्मी पापा के बगैर मैं एक दिन नहीं रह सकती, 3 दिन तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अरे पर तुम्हारे बिना मजा कैसे आएगा पिकनिक में? पर मम्मी पापा के बगैर मुझे मजा नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी। सुनिए हीना को जरा फोन लगाइए ना, काफी दिनों से वो बहुत देर से आ रही है। अरे आती होगी, तुम टेंशन मत लो। दो और आजादी लड़की को दो। मुझे तो हीना के लक्षण ठीक नहीं लगते, ये देर से घर आना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अरे पिताजी, अब बस भी कीजिए, हमारी हीना जो है बहुत समझदार है, उसका काम करने का मन था तो करने दिया। करने दो मनमानी लड़की को, जानता हूँ सबको मेरी बात कड़वी लगती है पर सच कड़वा ही होता। दादू, सच का कोई स्वाद नहीं होता है, और वैसे भी कड़वा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। माँ, दादू की डायबिटीज बढ़ गई, कल से इन्हें करेले का जूस पिलाएंगे, है ना पापा? राइट। हीना, ये मजाक का वक्त नहीं है बेटा, तुम काफी दिनों से बहुत देर से आ रही हो। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? इतना पास में तो है मेरा ऑफिस, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं यहाँ से। राइट। लेकिन रास्ते में कितना अंधेरा होता है, 8 बजे के बाद कोई आता जाता भी नहीं है वहाँ पे। पापा कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रही, सिर्फ 300 मीटर का रास्ता है जहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। फिर भी कल से तो जल्दी आने की कोशिश करना। राइट। रोहित, रख दे मुन्ना, ये बच्चों का खेलने का चीज नहीं है, इसको चलाने के लिए ना कलेजा होना चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। तो क्या हुआ? कलेजा मुंह पे आ गया, बोलती बंद हो गई तेरी। तेरी भी तो बंद हो जाती है हीना भाभी के सामने, उसका क्या? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये देख कैसे लड़की की तरह शर्मा रहा है, बचपन से लट्टू है उसके पीछे, लेकिन उसके सामने आते ही इसका सीटी बज जाता है। एक दिन देखना ना, तुम्हारे सामने से उड़ाकर लेके जाऊंगा। वाह, पूरी रात में तूने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। यार काश मैं भी तेरी तरह हार्ड वर्किंग और स्मार्ट होती। तू कभी थकती नहीं है क्या? ऐसा नहीं है,
मैं पापा से बात करके खुद को चार्ज कर लेती हूँ। वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो मुझ पे। हाय आरती। हाय हीना। हाय रोहित। आजकल बहुत बिजी रहती हूँ क्या? कॉलेज खत्म होता नहीं कि सीधा गायब? वो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ना, इसलिए। ओह नाइस, वेरी नाइस। अच्छा रोहित, हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। बाय बाय। रोहित, तेरे पे फुल लट्टू है पर तू है कि उसको भाव नहीं देती। चुप कर, ये टाइम करियर बनाने का है, पढ़ने का है। आज के बाद मुझसे सारी फालतू बातें मत करना। ओके हीना दादी। प्लीज वरुण सर, मुझे बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता, आप समझ ही में नहीं आ सकती पिकनिक पे। ओके ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेट करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलता हूँ। नहीं सर, घर पे ऑलरेडी खाना बना हुआ है। I'm really sorry. क्या हर बात पे सॉरी सॉरी? देखो मैं बॉस हूँ तुम्हारा, मेरा ऑर्डर है, आना पड़ेगा। नहीं सर, मैं नहीं आ सकती, आप समझिए। चले ही ना। हाँ बाय सर। बाय सर। चल, तेरे मैथ्स का प्रोजेक्ट रेडी होगा। हाँ ना, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। हीना, मैं ना तुझसे लास्ट बार कह रही हूँ, चलना यार पिकनिक, बहुत मजा आएगा। तू करना मजे, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अच्छा चल, बाय बाय। अच्छा आरती रुक, मैं तो भूल ही गई थी। आई नो तुझे 5,000 की जरूरत थी, पर मेरे पास अभी सिर्फ 2,000 है। थैंक यू सो मच यार, मैं ना तुझे जल्दी वापस कर दूंगी। आराम से, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। अच्छा तुझसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? फिटनेस के अलावा कुछ भी पूछ। तेरी लाइफ में कोई है क्या, समवन स्पेशल? क्या कुछ भी पूछती है, कोई नहीं है, और होगा तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय। नहीं आरती बेटा, मैं कब से उससे फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। ठीक है बेटा, तुम्हारी उससे बात हो तो मुझे बताना। हाँ आरती तो कह रही थी कि वो दोनों साथ में ऑफिस से निकले थे। चलो मैं ट्राई करता हूँ, रुको। हीना अभी तक नहीं है। बेल तो बज रही है लेकिन उठा नहीं रही है। तेरा काम हो गया, पैसे कब तक देगा? ठीक है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये छोड़ो मुझे। तू ना मेरी लकी ड्रॉ है। मैंने बोला था कि इतनी आजादी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। मैं देख के आता हूं। नहीं सर, वापस ऑफिस नहीं आई थी ना? नहीं आई थी। देर रुक यार, अरे वो लोग आते ही होंगे, साथ में मजे लूटते। नीरज का फल मीठा होता है। मीठा है या नमकीन, ये तो चक्कर ही पता चलेगा।
मुझसे जोर आजमाएगी? हाँ, मुझसे जोर आजमाएगी? सर रिंग जा रही है, वो फोन नहीं उठा रही। आपको रात को ही रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। देखिए ऐसे मामलों में जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए अच्छा रहता है। खैर हम हीना के ऑफिस में उसके दोस्तों से बात करेंगे। हमारी हीना बड़ी समझदार लड़की है, वो ऐसे बिना बताए कहीं जा नहीं सकती है। हीना की किसी लड़के से दोस्ती थी? कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं सर, हीना का पूरा फोकस उसकी पढ़ाई में है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। माफ कीजिए, हीना सिर्फ 17 साल की है। इस उम्र में लड़के लड़के अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। हीना का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। हो सकता है हीना इस वक्त जहां पर है वहां वो अपनी मर्जी से गई हो। कई बार ट्राई किया पर वो उठा नहीं रही है। आसपास के अस्पतालों में भी बात की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। फिर भी सभी अस्पतालों में जाके पर्सनली चेक करो और हमें हीना की बेस्ट फ्रेंड आरती से भी मिलना होगा। हीना जिस शख्स से आखिरी बार मिली थी वो आरती है। मैम मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि हीना जा कहाँ सकती है। रानी चौक तक तो हम साथ में थे पर वहाँ से हीना का घर बहुत पास में ही है। तुम बता सकते हो एग्जैक्टली तुमने हीना को कहाँ छोड़ा था? मैम यहीं पर, यहाँ से हीना सीधे चली गई थी और मैं इस तरफ मुड़ गई थी। ये जगह हीना के घर से लगभग 300 मीटर दूर है। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है तो ढूंढो। मैम ये टूटी हुई चप्पल मिली है। मैम ये तो हीना की चप्पल है, कल रास्ते में टूट गई थी। क्या हीना ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया था कि वो किसी से मिलने जाने वाली थी या किसी के साथ कहीं जाने वाली थी? नहीं मैम, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, हम लोग ऑफिस की तरफ से 3 दिन के लिए पिकनिक पे जाने वाले थे। मैंने और वरुण सर ने बहुत इंसिस्ट किया पर हीना मानी नहीं। जी आरती बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी 3 से 4 बार पूछा था हीना से लेकिन वो नहीं मानी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीना का किसी और के साथ कहीं और जाने का प्लान हो? देखिए ऑफिस आवर्स के बाद कोई क्या करता है ये मुझे क्या मालूम। सर हीना की दोस्त आरती ने बताया कि कल ऑफिस से लौटते वक्त हीना की चप्पल टूट गई थी। हो सकता है उसने खुद ने ही ये चप्पल वहां फेंक दी हो। अगर हीना चप्पल खुद फेंकती तो दोनों फेंकती है कि क्यों? सर जहां हीना अकेली थी वो रास्ता लगभग 300 मीटर लंबा है और काफी सुनसान है। गुस्सा क्यों कर रही हो बेबी? अब काम है तो काम नहीं करो क्या? अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ओए, आई लव यू कौन बोलेगा? ओके बाबा, आई लव यू कार्तिक। आई लव यू टू। ठीक है ठीक है। अरे कार्तिक बेटा कहाँ जा रहे हैं? अरे माँ बस ऐसे ही। अच्छा माँ आपको याद है ना कल हम ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं? अरे क्यों पैसा खर्चा करना है बेकार का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ठीक नहीं, फिट होना जरूरी है, वो भी एकदम हेल्दी वाला। चाय पिएगी? ले ना, पहले केस दे तो चाय देता हूँ। इतना मार खाने के बाद भी तेरी अकड़ नहीं गई? हाँ लेकिन मुझे पैसे मिलने वाले थे जो अभी तक मुझे मिला नहीं है, उसे कैसे जाने दे तुझे? हाँ ले।
खा खा खा। नाश्ते में चाय के बिना क्या मजा। ले चाय पी पी। क्या कर रहा है यार, उसको छोड़ जाने दे यार उसको। ऐसे कैसे जाने दो इसको? हाँ पैसे मिलने वाले मुझे इसके। भाई वो नहीं आने वाला तेरे पैसे वैसे देने, भूल जा तू। आएगा वो पैसे देने, इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया इसके लिए। कार्तिक ये ले तेरा टिफिन, वरना पिज्जा खा खा के अपना पेट खराब कर लेगा। कार्तिक कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है ना? नहीं नहीं माँ सब ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ माँ। भाई जी नमस्ते। भाई जी थोड़ा पैसों की जरूरत थी। तेरे को बोला था ना फोन नहीं उठाएगा। मेरी बात मान, इसको जाने दे। इसके माँ बाप पुलिस में चले गए ना तो फोकट के लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनकी लड़की लापता है, पक्का जाएंगे देख। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी एक अलग दुनिया बसाने जा रही हूँ। लव यू मॉम, लव यू डैड, मिस यू। मैंने कहा था ना आप लोगों से, इस उम्र में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते। सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है सर। अगर उसका कोई लड़का दोस्त भी था तो मुझे उसे बताना चाहिए था, इतनी दोस्ती तो थी हमारी। सर आप हिना को ढूंढना तो बंद नहीं कर देंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हिना नाबालिग है अभी, कानूनन वो शादी नहीं कर सकती। हाँ बस ये है कि हिना को तलाश करने का हमारा तरीका बदल जाएगा। हो सकता है हिना अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल या लॉज में रुकी। हमने हिना की तस्वीर आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट कर दी, जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक हो जाएगी तुम, छोड़ उसको अब भी के अब भी, वरना मैं। बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, ठीक है? ये जो लड़की है ना मेरी जागीर है, इसके साथ खेलने में ना बहुत मजा आ रहा है, वीडियो गेम से भी ज्यादा आ रहा है ना मजा। चले गेम खेलते हैं, ठीक है? वाह क्या लग रही है, चल वॉक पे चल चल। इसे ना अब हम ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे, पूरी की पूरी एमपी पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, समझ मेरी बात को। किसने कहा ये एमपी में? दिल्ली में है, दिल्ली में। दिल्ली? जी सर, स्विच ऑफ होने के पहले हिना के फोन की लोकेशन दिल्ली थी। एक और बात पता चली, हिना की अपने बॉस वरुण के साथ फोन पर बात हुआ करती थी, वो भी देर रात। सर इसमें इतना ताज्जुब वाली कौन सी बात है, हिना पूरा अकाउंट्स देखती थी तो अगर मुझे किसी भी डिटेल की जरूरत पड़ती थी मैं उसे फोन कर लेता था। रात के 12 बजे ऐसी कौन सी इमरजेंसी होती थी? हिना लेट नाइट तक स्टडी किया करती थी और ये बात पता थी मुझे, और सुबह में उसका स्कूल होता था सर, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इनफैक्ट हिना का ही आइडिया था सर ये। सर जब हिना वापस आए तब आप उससे पूछ लीजिएगा। ये हिना का बॉस वरुण कुछ खटक रहा है मुझे, सारे सवालों के जवाब इतने इत्मीनान से दे रहा था जैसे पहले से तैयारी करके बैठा हूँ। सर हिना एक स्टूडेंट है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है, और वरुण ने अपने पूरे बिजनेस का अकाउंट उसे सौंप दिया, बात खटकने वाली तो है। वरुण के ऑफिस का पिछले 2 महीने का सीसीटीवी फुटेज मांगा। तो ये तो वरुण की वाइफ है रीटा। जी सर मैं उस दिन ऑफिस गई थी और मैंने हीना को डांटा भी था। हीना ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुम अभी छोटी हो, पढ़ाई छोड़कर अपनी से दुगनी उम्र वाले आदमी के साथ इस तरह। मैम आप गलत समझ रही हैं। क्या समझ रही हो, मुझे सब पता है। रीटा क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? चलो मेरे को अंदर चलो। आपको शक था कि आपके पति और हीना का अफेयर चल रहा था? शक नहीं मुझे यकीन था, जब से वरुण ने हीना को जॉब पे रखा था वरुण का तो अंदाज ही बदल गया था, बनठन कर ऑफिस जाना, महंगे परफ्यूम्स घड़ी कपड़े,
वरुण ने अपनी सफाई में क्या कहा? वही जो एक धोखेबाज पति एक पत्नी को बोलता है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया अपनी वाइफ को सर। रीटा के सर पे मुझ पे शक करने का भूत सवार हो गया था। मेरा यकीन मानिए सर, मेरा कोई अफेयर नहीं था हीना के साथ। तुम्हारी बीवी तक तुम पे यकीन नहीं कर रही है, हमसे तो कोई उम्मीद ही मत रखना। देखो अभी भी वक्त है, बता दो अगर ये जानते हो हीना इस वक्त कहाँ है। वैसे नाबालिग लड़की को भगाना कितना बड़ा क्राइम है ये तो जानते ही होंगे। सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता हीना कहाँ है। अबे बहुत हुआ तेरा फोनो फ्रेंड, कहाँ छुप कर बैठा है? सामने आ, और नहीं चाहिए तेरे पैसे मुझे। अब मेरे पास मेरी पालतू गुड़िया है, ये ले पी। हाथ से नहीं लेकिन मुंह से पी। चल चल पी पी। जो लड़की 3 दिन भी अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती थी वो 18 दिनों से लापता है। आखिर हीना कहाँ थी, किस हाल में थी, किसी को कुछ नहीं पता था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन हीना की खोज खत्म नहीं हो रही थी बल्कि और भी भयानक रूप लेने वाली थी। आज सर पूरे 18 दिन हो गए हैं सर। सर इतने सालों में हीना कभी भी एक दिन भी हमसे दूर नहीं रही। एक घुटन सी हो रही है, डर में जी रहे हैं हम लोग। इतने बुरे ख्याल आते हैं जैसे दिल कांप उठता है। मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, पर आप लोग ही सोचिए, ढूंढा तो उसको जा सकता है जो कहीं खो गया हो, पर जो अपनी मर्जी से कहीं गया हो, अपनी मर्जी से कहीं छुपा हो, उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ कीजिए, मेरी हीना को ले आइए। मैं जानती हूँ वो बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में वो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होता है, बुझा देता हूँ। मैंने रवि को बोला कैसे नहीं किया जाता, लेकिन वो मानता ही कहाँ है। फिर एक मिनट, किसी लड़की की आवाज़ आ रही है ना, शायद तकलीफ में है यार। प्रकाश इधर से आ रही है आवाज़। ये आया मेरा राजा और वो देख तेरी रानी। रानी नहीं, मेरी गुलाम। भाई भाई इसे छोड़ देना यार। अब यार ये चुप कर समझा ना, वरना उसके साथ तुझे भी पट्टे से बांध दूंगा। शी 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 शी। तेरी गुलाम तो गंदगी मचा रही है रे। वेरी बैड, मालिक का घर गंदा किया, सजा तो मिलेगी। सर मैं हीना के घर से ऑफिस तक के रास्ते का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। उस रात को उसी रास्ते के एक सिग्नल पर हीना के बॉस वरुण की कार स्पॉट की गई, ये उसकी फुटेज है। सर सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आ, ये बोल हीना को कहाँ छिपा के रखा है तूने? सर मैं उस रात उसके पीछे गया जरूर था, लेकिन सर मेरे अंदर की जलन ले गई थी। सर मैंने उससे कई बार पिकनिक के लिए पूछा था, लेकिन वो नहीं राजी हुई, इसलिए मुझे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़का भी है। मैं वही देखने गया था सर। देख वो हालत करूंगा तेरी कि जिंदगी में किसी काम का नहीं रहेगा तू। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ सर, मैंने हीना को अगवा नहीं किया है,
सर जिस रास्ते से हिना अपने घर जाती थी मैं उस रास्ते पे उसके पीछे गया लेकिन वो मुझे नहीं मिली और सर मैं वापस लौट आया था। लेकिन अब तू वापस नहीं लौट पाएगा सुधाकर, कुट्टो साले को। सर और तब तक कुट्टो जब तक ये सच ना बोलते। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर 45 दिन बीत चुके थे, पुलिस भी हैरान थी कि अपने घर के इतने करीब आने के बाद भी हिना इस कदर कहाँ गायब हो सकती है। पुलिस सारे एंगल टटोल रही थी, क्या हिना किसी लड़के के साथ भाग गई थी, क्या किसी निजी दुश्मनी के कारण हिना का अपहरण कर लिया गया था। हिना के माँ बाप को भी यही सवाल सता रहा था। 45 दिन से वो अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे थे, एक एक दिन दहशत में गुजर रहा था, आखिर उनका इंतजार कब खत्म होने वाला था। अरे भाई कितना वेट करना पड़ेगा हीना के हाथ की पहली चाय पीने के लिए। क्या हुआ बेटा, हीना बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भलाई छोड़ो, इसमें बर्फ लगाओ। अब मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, बड़ी चिंता मत करो। डॉक्टर बुलाता हूँ, डॉक्टर को। नहीं लगी, इतना दर्द सह सकती हूँ। पर हम नहीं सह सकते बेटा, मैं मलाई लगाती हूँ और आज से तेरा चाय बनाना बंद। हाँ किचन में बिल्कुल नहीं आना, मैं हूं ना इस सब के लिए। हीरो बनने की कोशिश कर रहा है हाँ? अगली बार इस पे तरस खाया ना, मैं तेरे पे तरस नहीं खाऊंगा। सुनिए आसानी से नहीं छुटकारा मिल रहा मुझसे, समझी ना? हेलो, बोलिए, क्या नाम है आपका? वो क्या गया था, अभी भी बहुत जान बाकी है ना तुझमें, बहुत जान बाकी है ना। रुक,
लाश के पास कोई सुसाइड नोट मिला? नहीं सर। उतारो इसे। मेरा कार्तिक पिज्जा डिलीवरी के लिए काम करता था, कुछ दिनों से वो खोया खोया रहता था, काम पर भी नहीं जाता, बस वो अपने कमरे में ही रहता था। सर, सुधाकर का फोन था, एक घायल लड़की मिली है, वो भी सीमेंट के मिक्सचर से, काफी जली हुई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सुधाकर कह रहा था कि उसके हाथ पर दीपिका लिखा हुआ है। गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ पे कोई दीपिका नाम की लड़की एडमिट हुई? यस सर, बट वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। हम बात कर सकते हैं उससे? सॉरी सर, इस वक्त वो बात करने की हालत में नहीं है, काफी बार मारा पीटा गया है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, मल्टीपल रेप्स हुए हैं, जलाया गया है। इट्स अ मिरेकल सर कि वो अभी भी सांस ले रही है। ये तो हीना है। 2 महीने 10 दिन की तलाश के बाद हीना मिली, लेकिन जिस हालत में वो मिली उसे देख के तो हैवान भी शर्मसार हो जाए। कौन थे वो लोग, क्यों किया उन्होंने हीना के साथ ऐसा, आखिर क्या गलती थी उस मासूम की? उन माँ बाप की आंखें जो अपनी बेटी को एक और बार देखने की आस में पथरा गई थी, हीना को मौत से भी बदतर हालत में देखने के बाद वो आंखें आज खून के आंसू बहाने वाली थी। एरिया काफी सुनसान है, हीना को जरूर यहाँ किसी ना किसी गाड़ी से लाया गया होगा। सर मैं पता करती हूँ, अगर आसपास कोई सीसीटीवी है तो। आसपास का एरिया भी स्कैन करो, शायद कोई क्लू मिल जाए उन जवानों का। फिक्र मत करो, हीना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत बहादुर जो है वो। बेटी जल्दी से ठीक हो जा, मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी तुझे नहीं टोकूंगा। सर उन हैवानों को छोड़िएगा मत जिसने हमारी बेटी की ये अरे मुझे जाने दो ना, मुझे हीना से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे देखना है। कौन हो तुम? हीना को कैसे जानते हो? सर मैं रोए तो मैं हीना से प्यार करता हूँ सर। तेरे बारे में तो हीना के माँ बाप भी कुछ नहीं जानते। सर हीना के गायब होने के कुछ दिन पहले ही मैंने उससे प्रपोज किया था सर। हीना हाय। हाय। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है रोहित? आई लव यू हीना, आई रियली लव यू। तो उसे तुझे मना कर दिया, उसे तुझे मना किया, तुझे गुस्सा आया इसलिए तूने उसको अगवा कर लिया और अब ये नाटक कर रहा है। नहीं सर,
उसने तो मना नहीं किया, इनफैक्ट उसने तो मुझे समझाया था सर कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना होगा, अपने आदतों को बदलना होगा, मुझे सुधरना होगा सर। मतलब बिगड़ा हुआ है तू? हाँ सर, छोटा मोटा हाथ मारता था सर, पर हीना के लिए मैं बदल गया हूँ सर। अभी लोन लेकर मैंने अपना छोटा सा खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया सर। अरे फिल्मी कहानी है तेरी, हीना तो बहुत दिनों से गायब थी, तब क्यों नहीं आया मिलने? मुझे पता ही नहीं चला सर, मेरा धंधा थोड़ा अच्छा चलने लगा था तो मैं उस पर ध्यान दे रहा था। सबसे पहले मैं हीना को ही बताना चाह रहा था, पर उसका फोन बंद आ रहा था। उस दिन बाद उसकी फ्रेंड आरती मिली, उसने मुझे सब बताया सर। सर मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने हीना की ऐसी हालत की है सर। जिसने भी हीना का ये हाल किया है ना बेटा, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जहां से मिली वहां कोई सीसीटीवी नहीं है और ना ही कोई सुराग मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है ना वहां पहुंच कैसे गई। उस मासूम लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, हम उसके गुनहगारों को अब तक पकड़ नहीं पाए। हेलो, इस रॉबरी में ना बलवंत का हाथ है। बलवंत का वो साथी है ना, क्या नाम है उसका, सुधाकर, क्या नाम है उसका? सुधाकर, सुधाकर। सर सॉरी, कहाँ खोए हो? सर कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था मैं। सर इतना इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हो और तुम कुछ सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? सर दो दिन पहले मेरे कांस्टेबल दोस्त मुझे मिला था, उसने केस मुझे बताया जो मुझे खटक रहा है। क्या खटक रहा है? सर आपको याद है हीना शुक्ला जब हमें जख्मी हालत में मिली थी तो उसके हाथ पे दीपिका लिखा हुआ था, और मेरे दोस्त ने जो केस बताया था यार एक केस, एक कार्तिक नाम के लड़के ने सुसाइड किया था। बार बार फोन करके बोलता था कि दीपिका को बचा लो, दीपिका को बचा लो। तुम्हें लगता है इन दोनों में कोई कनेक्शन है? सर हो सकता है, क्योंकि लोकल पुलिस को उस कार्तिक के दीपिका के बारे में कुछ पता नहीं चला और हमें भी हीना के केस में कोई क्लू नहीं मिला। तो मुझे लगता है सर ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि कार्तिक ने सुसाइड किया क्यों। आप कह रही थी कि आपका बेटा कार्तिक सुसाइड के कुछ दिन पहले से परेशान था। जी, पिज्जा डिलीवरी करता था वो, एक दिन अचानक से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया और उसके बाद 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। सर उन 6 दिनों में कार्तिक ने लगातार 3 बार कंट्रोल रूम कॉल किया था और हर बार एक ही चीज बोल रहा था कि दीपिका को बचा लो। राइट सर, लेकिन उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में दीपिका नाम की कोई लड़की नहीं थी, उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मयूरी। मयूरी? यस सर। नहीं मैम, मैं किसी दीपिका को नहीं जानती। सॉरी सर, दीपिका नाम की तो कोई स्टाफ नहीं हमारी। कार्तिक उस दिन आधे दिन की डिलीवरी करके ही घर वापस चला गया था, इसका मतलब उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। मुझे वो सारे एड्रेसेस चाहिए जहाँ कार्तिक ने उस दिन डिलीवरी की थी। सर लिस्ट तो मिल गई, लेकिन इनमें से किसी भी कस्टमर का नाम दीपिका नहीं। सबके घर भी फोन किया लेकिन उनमें किसी फैमिली मेंबर का नाम भी दीपिका नहीं।
ये हीरोइन दीपिका की बात तो नहीं कर रहा है? एक आइडिया है, चांस ले। हेलो सर, आप हमारे लकी कस्टमर सेलेक्ट हुए हैं। आपको पूरे 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। बस आपको हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना, और हमारा सवाल है कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? मैं कार्तिक की फोन लोकेशन चेक कर रहा था। कार्तिक बाकी डिलीवरी एरिया की जगह एक एरिया में और गया था, कुसुम नगर। लेकिन कुसुम नगर का नाम लिस्ट में नहीं है। सर, अगर कुसुम नगर में कोई डिलीवरी नहीं थी तो कार्तिक वहाँ वर्किंग आवर्स में क्यों गया होगा? आई थिंक ये वही जगह है जहाँ से कार्तिक वापस अपने घर लौट गया था। कुसुम नगर में कार्तिक एग्जैक्टली कहाँ गया था पता करो। कार्तिक ने उस दिन जहाँ जहाँ डिलीवरी दी थी वो पूरी लिस्ट में आपको दे चुका हूँ, लेकिन कुसुम नगर में उसकी कोई डिलीवरी नहीं थी उस दिन। एक्सक्यूज मी मैम, उस दिन मेरी एक डिलीवरी थी कुसुम नगर में, लेकिन कुछ काम से मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैंने कार्तिक से फेवर मांगा था और वो गया था डिलीवरी के लिए। कुसुम नगर में एग्जैक्टली कहाँ? मैं कब तक मातम मनाएगा बे उसके लिए? छोड़ना, चल पार्टी कर दे। भाई तू रहने दे यार, तू अगर दोस्त नहीं होता ना मेरा तो अब तक ना देखो पुलिस को बता चुका होता तेरे बारे में। हेलो सर, मैं अभी बनी हूँ क्विक पिज्जा कॉर्नर से। सर आप हमारे लकी कस्टमर हो सकते हैं, आपको पूरे 1000 रुपए का कूपन मिलेगा। बस उसके लिए आपको हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना है, और हमारा सवाल है आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? डार्लिंग दीपिका। ओए कौन आया रे? पुलिस पकड़ ले सबको। वो जो डिलीवरी बॉय था कार्तिक, उसके साथ क्या किया? वो पिज्जा डिलीवरी करने आया था, उसने लड़की को देख लिया था। मुझे लगा पुलिस में जाके कंप्लेन कर देगा, तो मैंने उसे डराया और उस लड़की का रेप करवाया ताकि वो बाहर जाकर किसी को बताने की हिम्मत ना करे। और हीना के हाथ में दीपिका लिखा था। तेरा जो भी नाम हो, आज से तेरा नाम दीपिका, तो भूल ना जाए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने कार्तिक से जबरदस्ती हीना का रेप करवाया, इस गिल्ट में आके उसने अपनी जान दे दी। कार्तिक के अलावा और किस किस से रेप करवाया? बहुत लोग थे, वो पास के प्रकाश को पता चला तो वो अपने दोस्तों के साथ भी मुंह मारने आ गया। क्यों किया ये सब? शर्त लगी थी। अब अमू तेरी बारी, अगर तू असली मर्द है चल किसी लड़की को उठा के दिखा, 1000 रुपए दूंगा। अरे इतना सीरियस मत ले, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे यार। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मर्दांगी देखनी है ना, बताता हूँ। मेरे को उतार दे भाई, मैं नहीं जा रहा। हाँ मुझे भी उतार दे। इनको उतार दे रे फट्टुओं को। हाँ भाई वो देखो देखो। इसी के साथ लगे थे ना शर्त? सर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था इसके साथ। ए पलटी मत मार, 1000 रुपए देने बाकी है ना। सिर्फ 1000 रुपए के लिए तुम लोगों ने एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, कहां से लाते इतनी हैवानियत? किसी लड़की को शर्त लगाने की चीज समझना, इतनी घटिया सोच इन लड़कों में कहां से आती है? और बतौर समाज हम इस सवाल से मुंह नहीं मोड़ सकते। लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता ये हम कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। साथ में पले बड़े भाई बहन हो या फिर शादी के बाद इंडिपेंडेंट रह रहे पति पत्नी, ये फर्क अक्सर हर जगह नजर आता है। जो आजादी बेटे को मिलती है वही हिफाजत के नाम पर बेटी से छीन ली जाती है। कपड़े, ड्रिंक्स, बॉयफ्रेंड, ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं बल्कि लड़की का कैरेक्टर जज करने का मापदंड यही समाज बनाता है। हम अपनी सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, लेकिन ये शुरुआत हमें साथ में मिलके करनी होगी। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबसे विदा लेती हूँ। आप लोगों से फिर कल मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।